2017 जरा देखेंगे, दो चार ठो करेंगे हम लोग अभी। पहला बोल रहा है आपको 2017 का, द बैलेंस ऑफ ड्रॉइंग अकाउंट इज ऑलवेज, ड्रॉइंग अकाउंट क्या होता है जी, ऑलवेज आंसर क्या होगा, आंसर सी। याद कीजिए, जब भी आप ड्रॉइंग करते हैं, आप 11 में भी पढ़े थे, शुरू से ही जर्नल में पढ़े हैं कि ऑलवेज ड्रॉइंग अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। अब जरा ध्यान से देखो, ड्रॉइंग कितने तरह से कर सकते हैं, जब भी पर्सनल यूज हाउस होल्ड यूज रहता है तो ड्रॉइंग को डेबिट करते हैं, अगर कैश में ड्रॉइंग करते हैं तो टू कैश लिखते हैं, चेक से करते हैं तो बैंक लिखते हैं, और अगर आप गुड्स से करते हैं तो परचेज लिखते हैं। आपने को यह बताने का दरकार नहीं था, बट थोड़ा याद ताजा करवा दिए। द बैलेंस ऑफ ड्रॉइंग अकाउंट इज ऑलवेज डेबिट। नेक्स्ट, वापस आपको जो टू नंबर सम्स दिया हुआ है, इफ द एवरेज प्रॉफिट 3 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% एंड कैपिटल इंप्लाइड 22 लाख, देन द वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड। देखो, आप सभी को पता होगा कि कैपिटलाइजेशन मेथड जो बोला जाता है, ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के चैप्टर में आपको मिल जाएगा। उसके लिए पहले सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ता है, क्या निकालना पड़ता है, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाई क्या करना पड़ता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देखो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो यहां पर 12% पता है, बट सुपर प्रॉफिट आपको पता है क्या, नहीं, तो हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट। तो आप क्या देख रहे हैं, एमसीक्यू में भी आपको बिना बनाए, अगर मान लीजिए कि सबसे पहले जो 18 देता है उसमें तो 7-8 तो बनाना ही पड़ता है, और फिर जो 6 देता है उसमें से 4 तो बनाना ही पड़ता है, तभी आप आंसर करेक्ट कर सकते हैं। सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, तो आप लोग को याद होगा हम लोग यहां एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, और एवरेज प्रॉफिट यहां पर 3 लाख रुपया दिया हुआ है, इसमें से लेस होता है बहुत सारा कुछ। पहला नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड होता है, याद कीजिए, दूसरा प्रोप्राइटर्स का रेमुनरेशन, और थर्ड वन इज नॉन रेकरिंग इनकम, और फिर एड भी होता है परसेंटेज डिवेंचर, ये आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में देख सकते हैं। तो हम लोग यहां पर अभी लिखेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ऑन कैपिटल इंप्लाइड, कैपिटल इंप्लाइड कितना है बोलिए, बोलो, 22 लाख का कितना परसेंट, कितना हो गया, 2,64,000, बच गया कितना, यही क्या हो गया बताइए, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट हम लोग यहां पर लिख दिए कितना, 36,000, एंड परसेंटेज कितना है बोलिए, 12%, 12% का मतलब तो आप जानते हैं उधर चला जाएगा, कितना हो रहा है बोलिए, 3 लाख, आंसर क्या होगा, आंसर एबीसी में क्या होगा बोलिए, सी। कोई प्रॉब्लम, अब हम थर्ड वन करने जा रहे हैं, बढ़िया से सुनो और समझो। इफ द एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग ए बी एंड सी, तीन पार्टनर है ए बी और सी, 3:2:1 है, क्या है बोलिए, 3:2:1, समझेंगे बातों को। बोलता है उसको चेंज कर दिया गया 1:3 के रेशियो में, देन द पार्टनर्स हुज शेयर विल बी अनअफेक्टेड इज और आर, ए बी सी, ए एंड सी, क्या आंसर होगा, पहले समझो बी आंसर,
कैसे हुआ बी, आइए देखिए। रेशियो 3, 2, 5 और 1, 6 समझना पड़ेगा। मान लेते हैं कि प्रॉफिट 60 हुआ, ये 30 ले रहा था, ये 20 ले रहा था और ये 10 ले रहा था, ये ठीक ठाक था। क्या बोला, रेशियो को जो 3:2:1 है, रेशियो को चेंज कर दिया गया। क्या कर दिया गया, 1:2। अब अगर वही 60 रुपया को बांटेगा तो ये 10 रुपया लेगा, ये 20 रुपया लेगा, ये 30 रुपया लेगा। बोलता है कि ये जो किया गया तो किसका शेयर अनएफेक्टेड है, तो देखो बी का, पहले भी उसको 20 रुपया मिल रहा था और अभी भी क्या मिल रहा था, इसलिए आंसर क्या होगा, बी। ओके, अब एक एक बातों को हम आपको समझाते जा रहे हैं, बढ़िया से कराते जा रहे हैं, बाकी आपको कैसे हुआ नहीं हुआ पूरा समझा भी दिए। नेक्स्ट, बढ़िया से देखो, एम एन एंड ओ आर पार्टनर्स इन ए फर्म। हमेशा याद रखेंगे, अगर आप एमसीक्यू आधा आधी का आता है, 36 मतलब 40 ही हुआ ना, तो 80 नंबर का एग्जाम होगा तो 40 का आएगा लॉन्ग और 40 का एमसीक्यू। बट जब भी अकाउंट्स बोला जाता है तो लोग बोलता है सर कौन सा चैप्टर करा रहे हैं, एमसीक्यू के बारे में लोग सोचते ही नहीं है। अभी आप बताइए, 16-17 बनाए हैं, 15 बनाए, 16 बनाए, 17 बना रहे हैं, बिना बना के देखे हुए ABCD में कोई आप चुन सकते हैं क्या? और बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, बड़ा वाला जो सम्स है उसका नॉलेज होना चाहिए, और बड़ा वाला सम्स का अगर नॉलेज नहीं है तो बनेगा क्या, नहीं बनेगा। इसीलिए हम बार बार बोलते थे कि बड़ा वाला सम्स में आप अब्सेंट मत होइए, वो भी गया ये भी गया। चलो देखो क्या बोल रहा है, एम एंड एंड ओ आर पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट 5:3:2। एन रिटायर कर रहा है, एन रिटायर कर रहा है, यहां ध्यान से देखो जी, ए ओ एम है, एन है और ओ है, रेशियो है 5:3:2, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। एन रिटायर कर जा रहा है एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल, हिज और इसका शेयर ऑफ गुडविल जो हुआ कितना हो रहा है बोलिए, 21,000। बोलता है द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू एम कैपिटल अकाउंट, एम कैपिटल अकाउंट कितना से डेबिट होगा, तो आप जानते हैं कि गेनिंग रेशियो करना पड़ेगा। अभी कुछ नहीं बोला तो गेनिंग रेशियो 5:2 ही आएगा, करके भी देख सकते हैं, बट हम बताए थे कि जब तक चेंजेज नहीं होता है तब तक जो है वही रहेगा। अब बोलता है कि एन को तो देना है, तो कौन देगा, एम और ओ देगा, किस रेशियो में देगा, 5:2, तो बोलो एम कितना देगा, एम का शेयर कितना होगा 21,000 में, 5/7 7 × 21 15,000। यहां पर आंसर आपका कौन सा हो गया बोलिए, आंसर आपका हो गया ए। अब यहां पर बोलता है कि एम का अकाउंट कितना से डेबिट होगा, यह भी तो बोल सकता था, ओ का अकाउंट कितना से डेबिट होगा, तो नहीं कर सकते हैं, जल्दी जल्दी कॉपी करते जाएंगे, यह इसलिए बना के करते जा रहे हैं ताकि आप छोटे सवाल को बढ़िया से कर लीजिए। नेक्स्ट है जी, बताएंगे आप लोग, ऑथराइज कैपिटल मींस, ऑथराइज कैपिटल मींस मैक्सिमम लिमिट ऑफ शेयर कैपिटल, मिनिमम लिमिट ऑफ शेयर कैपिटल, नो लिमिट ऑफ शेयर कैपिटल, नन ऑफ दीज। अब यहां पर एक वर्ड आया, देखो ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब हुआ कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ शेयर कैपिटल, मान लीजिए हम लोग एक कंपनी बना रहे हैं और ऑथराइज शेयर कैपिटल अगर हम लोगों ने मान लीजिए 1,00,000 रुपया रखा, 1,00,000 रुपया हुआ, यानी मैक्सिमम हम लोग अगर 10 का शेयर है, अगर या 1,00,000 शेयर है एट द रेट ऑफ 10, तो मैक्सिमम जो मेरा लिमिट हुआ 1,00,000 × 10 10,00,000 रुपया। बट ये तो ऑथराइज हुआ, अगर आगे आपसे ये पूछ दे तो वो मैक्सिमम लिमिट हो गया, आंसर आपका हो चुका है, आंसर कौन सा हो चुका है आपका, ए। बट अगर पूछ लिया इशूड शेयर कैपिटल किसको बोलते हैं,
तो आप कंपनी अकाउंट बनाए हैं, आपके पास अगर 10,000 शेयर है और अगर आप 8,000 बेचना चाहते हैं या 9,000 बेचना चाहते हैं तो क्या हुआ? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इशूड शेयर कैपिटल। तो इशूड शेयर कैपिटल क्या हुआ? जितना आपका ऑथराइज कैपिटल है उसमें से जो पब्लिक को हम लोग ऑफर करते हैं, पब्लिक को जो ऑफर करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऑफर टू पब्लिक। जैसे मान लीजिए अगर हम 8,000 शेयर ऑफर किए, आप कंपनी अकाउंट बनाए हैं, मान लीजिए कोई कंपनी 8,000 शेयर बेचना चाहता है, बट 8,000 ही तो एप्लीकेशन नहीं आएगा, 8,000 भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, बेसी भी आ सकता है। तो पब्लिक जो सब्सक्राइब करता है, जितना शेयर अब यहां पर से ये आया, आप देखेंगे सब्सक्राइब कैपिटल का डिफिनेशन क्या हुआ। हम लोग पब्लिक को जितना शेयर इशू करते हैं उसमें से पब्लिक जितने शेयर के लिए एप्लीकेशन डालता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब कैपिटल, जो कि 8,000 भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। तो यहां पर इतना चीज नहीं पूछा था, बट आगे पूछ सकता है, तो मैंने यहां पर डिस्कस कर दिया। आगे देखो 6 नंबर में क्या बोल रहा है, चीजों को देखेंगे बढ़िया से। आफ्टर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल के बाद एक्स लिमिटेड क्रेडिटेड 3,500 टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में 3,500 रुपया ट्रांसफर हुआ। कितना शेयर फॉरफिचर करें? 510 ईच। दिस शेयर्स वर रीसूड 2,500 में। कितना में रिशू किए? द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व इज क्या होगा? तो सबसे पहला बात क्या होगा वो तो बात का बात है, बट सबसे पहले हमको बताइए, पूरा अच्छा से समझने के लिए आप ए बोल रहे हैं, आंसर आप लोग ए बोल रहे हैं, बट कैसे हुआ उसको समझिए। फॉरफिचर जो होता है पहली बार आप लोग नहीं कर रहे हैं, फॉरफिचर का एंट्री क्या होता है बोलिए तो? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, टू कॉल सिनेरियर शेयर फॉरफिटेड। यहां पर बोल रहा है कि 500 शेयर हम लोग फॉरफिचर कर रहे हैं इंटू 10, तो 5,000। बोल रहा है कि एक्स लिमिटेड ने क्रेडिट किया 3,500 फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में, शेयर फॉरफिटेड में कितना ट्रांसफर किया, इसका मतलब क्या हुआ? जो पब्लिक कंपनी को पैसा देता है शेयर फॉरफिचर नहीं होते हैं, जो रुपया आप कंपनी को देते हैं वो फॉरफिचर हो जाता है और आपको शेयर नहीं दिया जाता, उसको कैंसिल कर दिया जाता है। तो कौन सी रेनियर में कितना आएगा? 1,500। ऐसे भी तो पूछ सकता था एक क्वेश्चन कि 500 शेयर 10 करके फॉरफिचर किया गया और फॉरफिटेड अकाउंट में क्रेडिट किया गया 3,500, तो कॉल सिनेरियर में कितना अमाउंट क्रेडिट होगा, वहां पर आपको अलग अलग दे देगा, देगा कि नहीं? तो ये दोनों का डिफरेंस ये हुआ, एक आंसर ये भी हो सकता है, बट यहां पर ये नहीं पूछा, बट यहां से एक एमसीक्यू हो सकता है। फिर बोल रहा है दिस शेयर्स वर रीसूड 2,500 में, ये देखो बैंक अकाउंट 2,500 में बेच दिए, कितना का शेयर 2,500 में बेचे? 5,000 का। तो जो घाटा लगा उसको कहां से लेंगे? शेयर फॉरफिटेड से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जितना से डेबिट उतना से क्रेडिट। कितना घाटा लगा? 3,500 रुपया फॉरफिचर अकाउंट में क्रेडिट है, 2,500 रुपया डेबिट हो गया, तो जो शेयर को रीसू करने में प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ? 1,000, 3,500 माइनस 2,500। तो हम लोग इसका नेक्स्ट एंट्री करेंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डी आर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 3,500 माइनस 2,500 कितना हो जाएगा? आपका पूछा क्या गया था द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व इज कितना हो जाएगा? अब आया समझ में पूरा?
कॉपी हो गया। हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। कितना फॉरफीचर हुआ है? हमेशा याद रखेंगे जितना फॉरफीचर किए हैं मैक्सिमम हम उतना ही डिस्काउंट पे शेयर को बेच सकते हैं। क्या इस शेयर को 1000 रुपया में बेचा जा सकता है? ये 500 शेयर को 1000 रुपया में बेचा जा सकता है? क्यों नहीं बेचा जा सकता है? क्योंकि अगर हम 1000 में बेचते हैं तो इसका दाम 5000 है, तो हमारे यहां पर कितना आ जाएगा? 4000, जबकि हम फॉरफीचर कितना किए हैं। यानी हम अधिक से अधिक अगर इसको डिस्काउंट करके बेचना चाहेंगे तो कितना में बेच सकते हैं? बहुत ज्यादा अगर हम डिस्काउंट देना चाहेंगे तो कितना दे सकते हैं? 3500, मतलब कितना में बेचना पड़ेगा? 1500। ओके, खैर अभी आपको क्वेश्चन पूछा गया था कितना से कैपिटल रिजर्व क्रेडिट होगा। ओके, बढ़े आगे। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। देखो नेक्स्ट बोल रहा है, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स कैन बी यूज्ड फॉर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो हम लोग बड़ा सवाल बनाए उससे ये रिलेटेड कहीं पर भी नहीं है। बड़ा अभी तक जितना हम लोग किए सब बड़ा सवाल का ही एक छोटा सा पार्ट था, बट ये एकदम से डिफरेंस है, इसलिए स्टार बनाओ, इसको अलग से तैयार करना है आपको। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर कैन बी यूज्ड फॉर, पहला इश्यू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर, डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, नन ऑफ दीज। इश्यू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर, अब यहां पर बात यह हो गया, आंसर हो रहा है कितना ए, और लिखा हुआ है इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर। अभी एक बात जरा ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, एक वर्ड आ गया बोनस शेयर। बोनस शेयर क्या है अब इसको समझिए, तभी तो पता चलेगा कि हम लोग डिविडेंड में क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर क्यों नहीं होगा। देखो जब आप कंपनी का बैलेंस शीट बनाते हैं तो रिजर्व एंड सरप्लस का एक हेड होता है ना। इसके अंदर क्या क्या जाता है? जनरल रिजर्व, जो प्रॉफिट होता है वो भी जाता है, जो सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है वो भी यहां जाता है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर, जब शेयर इशू करिए और प्रीमियम जो रिसीव्ड हुआ वो नो डाउट रिजर्व एंड सरप्लस में चला गया। रिजर्व एंड सरप्लस से हम लोग क्या करते हैं, करंट ईयर का जो प्रॉफिट है उससे तो डिविडेंड दिया जाता है, बट करंट ईयर के जितने भी प्रॉफिट होते हैं सबका सब डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, उसमें से मैक्सिमम पार्ट हम लोग क्या करते हैं, तो मैक्सिमम पार्ट को हम लोग रख लेते हैं यानी रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। ये रिजर्व को हम लोग, ये रिजर्व किसका है? शेयर होल्डर का। किसका है? शेयर होल्डर का। जैसे मान लीजिए 10 रुपया प्रॉफिट हुआ और करंट ईयर के प्रॉफिट से मान लीजिए 4 रुपया डिविडेंड दिया गया, तो मैक्सिमम 6 रुपया कहां ट्रांसफर हो गया? जनरल रिजर्व में। तो धीरे धीरे रिजर्व बढ़ जाता है, इस रिजर्व को कंपनी को अगर जरूरत पड़ता है तो कैपिटलाइज कर लेता है, यानी रिजर्व को डेबिट कर देता है और बोनस शेयर आपको दे देता है। बोनस शेयर का मतलब हुआ कंपनी जो आपको फ्री में शेयर देता है उसके बदले में किसी तरह का कॉस्ट नहीं लेता है। मान लीजिए आपके पास 100 शेयर टाटा कंपनी का था, अब 100 शेयर के बदले में कंपनी 1:1 आपको बोनस दे रहा है, तो आपको क्या करेगा कंपनी 100 शेयर टाटा लिमिटेड का फ्री ऑफ कॉस्ट दे देगा। क्या करेगा? फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक बात बताइए क्या फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ होता है क्या? अरे हमारा रिजर्व ही ना हम ही को दे दिया। तो अभी पूरा क्लियर, बढ़े आगे। आगे देखिए 8 नंबर में क्या बोल रहा है, द बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर
हम लोग कहां दिखाते हैं? अभी तो हम आपको बताएं कहां दिखाते हैं, ये देखिए। तो क्या आंसर होगा? बी नंबर, रिजर्व एंड सरप्लस, जबकि यहां पर करंट लायबिलिटी है, शेयर कैपिटल है, नन ऑफ दीज है, तो इसमें अप्रोप्रिएट यही हुआ। नाइन नंबर, द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज लिमिटेड, अनलिमिटेड, नो लायबिलिटी, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अनलिमिटेड। तो यहां पर हमारा आंसर बी हो रहा है और अनलिमिटेड हो रहा है। टेन नंबर, इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जब पार्टनरशिप के में कोई एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो आप लोग सबको ही जानते हैं किसी तरह का आपको इंटरेस्ट, कमीशन, सैलरी कुछ नहीं मिलेगा। प्रॉफिट को इक्वली बांटते हैं और इंटरेस्ट ऑन लोन में तो 6% है, वो तो आप जानते हैं। तो यहां पर बताए, इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट पार्टनर्स कैन गेट सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ऑल ऑफ दीज। तो अगर नहीं कुछ है तो आंसर मेरा सी हुआ, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तब भी हमको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। कितना मिलेगा? 6%। एक अंडर क्लोज भी था ना, 6% किस क्लोज के अंदर देते हैं, याद है? लिखवाए थे, कब लिखवाए थे? अभी 15-16 में जब हम लोग किए हैं तो 17 में आए हैं, 15 और 16 में कहीं ना कहीं दिया हुआ था। हम बोले थे कि आपका एक ये MCQ भी बन सकता है, बोले थे सेक्शन 30, तो अलग से लिख के रखिए ना, दरकार पड़ेगा तो आपको तो बोल सकता है कि अंडर सेक्शन 37 किसको डिफाइन करता है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन को।